प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में जाने माने शायर एवं गीतकार निदा फाजली द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जो हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से। फौजी भाइयों, आज मैं वाकई बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि मुझे आपसे हम कलाम होने का मौका दिया गया। इस हम कलामी के लिए मैं आपके सामने कुछ अपने और कुछ दूसरे दोस्तों के गीत लेकर आया हूं। मेरे इन गीतों के इंतखाब में एक बात जरूर आप महसूस करेंगे कि जिस तरह फूल में रंग होता है और उसकी खूबसूरती उस रंग से है, जिस तरह हवाओं में नरमी होती है और उसकी नरमी उसकी खूबसूरती है, जिस तरह सितारे में रोशनी होती है और उसकी रोशनी उसका हुस्न है, इसी तरह इन गीतों के इंतखाब में मैंने एक ख्याल रखा है कि इनका रिश्ता शब्दों के माध्यम से उनके संस्कारों से रहे, हमारे मुल्क की वैल्यूज से रहे, हमारी खूबसूरतियों से रहे। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर में जाने वाला, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, यही दुनिया की रीत है। जिगर साहब ने वक्त की इस तब्दीली को नेक शेर में निहायत खूबसूरती ज्यादा किया है। बना बना के जो दुनिया मिटाई जाती है, जरूर इसमें कमी कोई पाई जाती है। मानस मुखर्जी अब मेरे लिए ऐसे ही एक गुजरे हुए कल की याद है। अगर याद करूं तो उनसे मेरी पहली मुलाकात ऐसी जगह हुई थी जहां खय्याम की रुबाइयां हर रात छलकते हुए प्यालों से झांकती हैं। वक्त के साथ मैंने तो खय्याम की इन रुबाइयों को खय्याम की किताब में और फिट्ज़गेराल्ड के तर्जुमों में तलाश कर लिया, लेकिन मानस मुखर्जी की तलाश उन जगमगाती हुई रातों में छलकते हुए प्यालों से आगे नहीं बढ़ी और वह खय्याम की रुबाइयों को उन्हीं प्यालों में तलाश करते रहे और अंजाम वक्त से पहले रुखसत होना। ये गीत जो अभी आप सुनेंगे ये उनके आखिरी दिनों का कंपोजिशन है। इसको गाते हुए मैंने मोहम्मद रफी की आंखों में आंसू भी देखे थे। खुशबू हूं मैं फूल नहीं हूं, जो मुरझाऊंगा। खुशबू हूं मैं फूल नहीं हूं, जो मुरझाऊंगा। खुशबू हूं मैं जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। खुशबू हूं मैं फूल नहीं हूं, जो मुरझाऊंगा। खुशबू
अंधेरा है, भीगा सावन सोना आंगन, हर आईना मेरा है। जब जब कली खिलेगी कोई, जब जब कली खिलेगी कोई, मैं मुस्काऊंगा, मैं आ जाऊंगा। खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ, जो मुरझाऊंगा। जो मेरे बारे में कहते हैं लोग सब सच है, जो मेरे बारे में कहते हैं लोग सब सच है, कभी करीब से लेकिन न देखना मुझको। दरअसल ये पैराडॉक्स एक आर्टिस्ट की जिंदगी का पैराडॉक्स होता है। साहिर साहब ने जिंदगी में बहुत इश्क किए, लेकिन कोई इश्क भी कामयाबियों की सीढ़ी नहीं चढ़ सका, वजह मालूम नहीं। लेकिन अमृता प्रीतम ने अपनी किताब रेवेन्यू स्टैम्प में साहिर के साथ अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। मुमकिन है ये नज़्म जो अभी आप सुनेंगे और जो बाद में फिल्मी गीत में की तरह फिल्माई गई, इसका मौजू वही समाज हो जो हमेशा से मजहब, सियासत और जात के नाम पर मोहब्बत का दुश्मन रहा हो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों, कश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। उषा खन्ना इकलौती लेडी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्हें संगीत के साथ शायरी का भी शौक है। ये शौक शायद उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिला है, जो खुद भी शायर हैं और एक जमाने में गीत लिखते थे। एक दिन मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था, उन्हें गीत लिखवा रहा था। गीत लिखवाते वक्त इत्तेफाक से मेरी नजर एक अजनबी चेहरे पर पड़ गई। मैं जो गीत लिखवा रहा था वो भूल गया और कहीं और पहुंचकर कोई और शेर मुंह से निकलने लगा।
उषा जी ने मुझे हैरत से देखा और दोबारा वो शेर दोहराने को कहा। जब मैंने दोहराया तो वो खुद रिकॉर्ड होने वाले गीत को भूल गई और वहीं बैठे बैठे उस शेर को कंपोज करने लगी। ये कंपोज किया हुआ शेर जो बाद में गीत के रूप में आया, फिल्म स्वीकार किया मैंने में शामिल हुआ है, अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी जी। भाइयों, आप गीत तो सुनते ही हैं लेकिन गीतों के साथ फिल्में भी जरूर देखते होंगे। मेरा अपना ख्याल है कि फिल्मों में जब से सामाजिक कहानी की मौत हुई है तब से गीत और संगीत भी मातमी लिबास पहने हुए घूम रहे हैं। जब से पारो के देवदास एक रोमांटिक करेक्टर और आर के नारायण के गाइड एक खूबसूरत कैरेक्टर के हाथ में तलवार आई और बंदूक आई, तब से सुरों ने शास्त्रीय संगीत से और शब्दों ने अपने साहित्यिक संस्कारों से नाता तोड़ लिया। आजकल ज्यादातर गीत पहले से बनाई हुई धुनों पर लिखे जाते हैं, ये आज का फैशन भी है और मिजाज भी। लेकिन कभी कभी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को कोई मुखड़ा या गीत या गजल अगर पसंद आ जाती है तो वो इसरार करके म्यूजिक डायरेक्टर से उसकी धुन बनवाता है। जाहिर है धुन बनाने के लिए जुबान की सूझबूझ, जुबान के कल्चर की पहचान भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन होता यह है
कि जब मजबूरी से धुन बनाई जाती है तो पहले से लिखे हुए गीत और गजल या नज्म का वही हाल होता है जो जून जुलाई में दिल्ली में कई बस में सफर करने वाले मुसाफिरों का होता है। खयाम साहब गिनती के उन चंद म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं जो अपनी धुन बनाने के बजाय पहले से लिखी हुई चीज पर धुन बनाते हैं। उनसे मैंने कहा भी कि खयाम साहब, जिधर हवा चलती है उधर पतंग उड़ती है, लेकिन वो इसरार करके न सिर्फ गीत लिखवाते हैं बल्कि गीत लिखने वाले से शायरी का तकाजा भी करते हैं। मैंने एक बार उन्हें अपना शेर भी सुनाया कि शेर था कि मीर और गालिब के शेरों ने किसका साथ निभाया है, सस्ते गीतों को लिख लिख कर हमने घर बनवाया है। तो मैंने अपनी मजबूरी का इजहार कर दिया, लेकिन खयाम साहब अपनी पुरानी रविश पर टिके हुए हैं और यही रविश उनकी पहचान भी है। जब से देखा है तुम्हें ऐसा लगता है मेरे ख्वाब की ताबीर हो तुम, मेरे दिल में जो छुपी थी वही तस्वीर हो तुम। जब से देखा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग अंतराल के बाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज जाने माने शायर एवं गीतकार निदा फाजली द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। आज से कुछ साल पहले पुरानी दिल्ली में घर घर बान की चरपाइयां होती थी। हर दोपहर को मैंने अपने बचपन में कुछ आवाजें सुनी थी, खाट बुनने वाले जो होते थे आवाज लगाते थे खाट बुनवा लो, वो आते थे चारपाई बुनते थे अपनी मजदूरी लेके चले जाते थे। आजकल जो गजल का नया क्रेज आया है उसे मुझे ऐसे ही लगता है कि गजल सिंगर्स के सामने इसी किस्म के शायरों की भीड़ होती है, गजल लिखवा लो, वो आते हैं गजल लिखते हैं और चले जाते हैं। उसकी एक वजह है कि गजल की सूझबूझ के लिए भाषा का जो ज्ञान, तहजीब की जो पहचान चाहिए वो हमारे बेशतर सिंगर्स के पास नहीं है। अगर आप मुझे हिंदुस्तान के गजल सिंगर्स की भीड़ में से किसी एक नाम के इंतखाब की इजाजत दें तो वो नाम होगा जगजीत सिंह। पाकिस्तान के गुलाम अली और मेहंदी हसन की गजल काफी मकबूल हुई, लेकिन हमारे मुल्क में
इस गजल के क्रेज को मुल्क के कोने कोने में फैलाने में जिसका हाथ रहा है उसका नाम जगजीत सिंह है। शायरी तो अभी कुछ साल पहले से ही शुरू की है लेकिन शायरी का शौक उनके साथ बचपन से ही रहा होगा क्योंकि वो उर्दू के मशहूर शायर जानिसार अख्तर के बड़े साहबजादे हैं। मेरी उनसे पहली मुलाकात आज से शायद 15 साल पहले भोपाल में हुई थी जहां मैं एक मुशायरे के सिलसिले में गया हुआ था। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये जानिसार के लड़के हैं तो मैं उनके सामने जानिसार अख्तर की शायरी की तारीफ करने लगा एक अखलाकी जिम्मेदारी समझकर। मेरी ये तारीफ सुनकर वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि कमाल है निजा साहब, मैं तो आपको बहुत जहीन समझता था और आप हैं कि जानिसार की तारीफ कर रहे हैं। वो उन दिनों जानिसार साहब से बहुत नाराज थे और ये नाराजगी मेरे ख्याल से जानिसार के इंतकाल तक चलती रही। ऐसा महसूस होता है कि उनकी ये नाराजगी ही उनकी बेशतर फिल्मों में एंग्री यंग मैन का रूप धार कर सामने आई है। उनकी शायरी में और शख्सियत में कितनी तब्दीली आई है उस जमाने से अब तक, उसके लिए उनका एक गीत सुनिए और खुद महसूस कीजिए। घर किसी को देखना हो कर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना हो कर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर।
छावे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग अंतराल के बाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज जाने माने शायर एवं गीतकार निदा फाजली द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। फौजी भाइयों, अब जो गीत आप सुनेंगे इसके कंपोजर हैं आरडी बर्मन। आरडी बर्मन सही माना में हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक में एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के मालिक है। वो शायद पहले कंपोजर हैं जिन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक के असरात को हिंदुस्तानी फिल्मी म्यूजिक में शामिल किया, और क्योंकि हमारी रिवायत है कि अच्छी चीज की नकल होती है, तो जाहिर है कि इनकी नकल का करने वालों का भी एक पूरा कारवां सामने आ गया है। मैंने उनके साथ कई फिल्में की हैं। ये खास गीत जिसके बोल हैं कि कभी पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। ये गाना हरजाई का है और ये रणधीर कपूर पर पिक्चराइज होने वाला था। रणधीर कपूर को ये पैराडॉक्स समझ में नहीं आया कि साहब लब पे शिकायत भी है, आंखों में आंसू भी हैं, और फिर भी जिंदगी से मोहब्बत है। मुझे समझाना पड़ा। मैंने कहा कि भाई मोहब्बत हर लॉजिक से बाहर की चीज होती है। दो और दो चार की लॉजिक का नाम तिजारत है, और मोहब्बत में हमेशा कभी कभी दो दो पांच होते हैं और कभी दो दो ग्यारह भी हो जाते हैं। ये इलॉजिकल जो आर्गुमेंट था इससे वो कन्विंस हो गए और गीत रिकॉर्ड हुआ। लीजिए आप भी सुनिए। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है,
मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू है, जो आता है वो जाता है, ये दुनिया आनी जानी है। यहाँ हर शय मुसाफिर है, सफर में जिंदगानी है। उजालों की जरूरत है, अंधेरा में किस्मत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कुछ ऐसे गीत भी होते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, उन्हें आप यतीम भी कह सकते हैं। वो लिखवाए तो जाते हैं, रिकॉर्ड भी किए जाते हैं, पिक्चराइज भी किए जाते हैं और फिल्म में शामिल भी किए जाते हैं। लेकिन जब फिल्म तैयार होकर एडिटिंग टेबल पर आती है तो एडिटर साहब की कैंची का अजाब उस पर नाजिल होता है और बेचारा अपने दूसरे गीतों की कंपनी छोड़कर बाहर निकाल दिया जाता है और जिंदगी भर रिकॉर्ड के अंदर कैद रहता है। यह गीत दरअसल फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में कुणाल कपूर और पद्मनी कोल्हापुरी पर पिक्चराइज किया गया था। इस गीत के जरिए से उनके बचपन की उम्र को जवानी की उम्र के करीब आते हुए दिखाया गया था। अब न जाने फिल्म को काफी अरसा हो गया, कुणाल कपूर साहब और पद्मनी कोल्हापुरी की उम्र काफी बढ़ गई होगी, लेकिन वो गीत बेचारा उसी उम्र में आज तक कैद है जिस उम्र में उसे रिकॉर्ड किया गया था। उसकी ना उम्र बढ़ रही है ना घट रही है। अगर इस गीत का फॉर्मूला ख्वातीन इस्तेमाल करें तो उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। कई साल पहले ये दिन रात थे जब सुनहरे रुपहले, इसी शहर के एक हसी रास्ते पर चमकते हुए मोतियों जैसे दो घर, खुली खिड़कियों से बड़ी शौखियों से बहुत बातें करते थे मिलजुल के अक्सर। कई साल पहले, कई साल पहले ये दिन रात थे जब सुनहरे रुपहले। उन्हीं दो घरों में से एक घर के बाहर जो ओधम मचाती ही रहती थी दिन भर, कभी मुंह बनाकर कभी मुस्कुराकर वही भोली भाली सी गुड़िया बराबर। जो छोटी सी लड़की थी तुम तो नहीं हो? नहीं, हम नहीं हो। कई साल पहले, ये दिन रात थे जब सुनहरे रुपहले।
नीरज जी, हिंदी साहित्य का एक जाना पहचाना नाम है। वो फिल्मों में आए, यहां गीत भी लिखे, उनके गीत काफी मकबूल भी हुए। मैं अक्सर उनसे मिला हूं। एक मुलाकात में मैं उनसे पूछा कि नीरज जी, आप बंबई की चमकती हुई नगरी को काय को छोड़ा है, जबकि आपके फिल्मी गीत काफी मकबूल हुए। नीरज जी ने निहायत संजीदगी से कहा कि भाई, जिस तालाब की मछली होती है उसी तालाब में भली रहती है। हमें वहां का माहौल कुछ हमारे मिजाज के मुताबिक जमा नहीं। और हंसते हुए कहने लगे, साहब कमाल है, धुने बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स, और उनमें से अक्सर म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं वो डमी बोल गालियों में देते हैं, और वो भी दूसरे म्यूजिशियन के सामने। गाली अकेले में तो आदमी सुन सकता है, लेकिन सबके सामने कैसे सुने। ये गीत जो आप सुनेंगे, ये नीरज जी की एक किताब में से लिया गया है, फिल्मी गीत के रूप में काफी मकबूल भी हुआ। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे के जिंदगी फिसल गई, पात पात झल गए के शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सके न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। शबाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देख आईना से हर उठा, इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा के जो मिला नजर उठा, के जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांझ की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। फौजी भाइयों, अब आप मुझे इजाजत दें, एक शेर सुन लीजिए। मेरी बात सुन ली, मेरी बात मानी, इनायत करम शुक्रिया मेहरबानी। आप गीत सुन रहे थे और मैं इन गीतों के माध्यम से आपके अनदेखे चेहरों को महसूस कर रहा था। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। जय हिंद। ये थी सुप्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, जो हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।
अब आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम समाप्त हुआ।